हेलो आनिद भाई। हाँ ये के इलेक्ट्रिक वाले आए हैं बिजली काटने के लिए भाई, ये काट रहे हैं। मैंने बोला उनसे बात कर लो अगर वो नहीं मान रहे। कैसे काट रहे हैं बोलो, तुम्हारा केस वहाँ पे जो मौजूद है के इलेक्ट्रिक बोलो। मैंने उनको बोला वो बोला जाके ऑफिस में बात करो, हमारे से नहीं बात करो। मेरी बात तो कराओ, ये खड़े हुए बात कर लो ना। हेलो सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? फैसल बात कर रहा हूँ। फैसल साहब आप कहाँ से आए हैं जी? आप कहाँ से आए हैं? IBC नॉर्थ मामलाबाद। अच्छा आपको किसने भेजा? हमारे अम्मार साहब होते हैं असिस्टेंट मैजिस्ट्रेट साहब से भेजा आपको। आपको पता है, आपको पता है ये केस चल रहा है सर? इसका मुझे नहीं पता, मुझे ऑर्डर दिया है कि इस घर को बंद कर दें। घर को बंद कर दें? हाँ मतलब 946 जो है मीटर नंबर, इसको बंद कर दें। आता है आपको ये आप ये गैर कानूनी काम करेंगे? सर मैं गैर कानूनी या कानूनी की बात नहीं कर रहा, मैं ऑफिशियली काम कर रहा हूँ। मैं घर से उठ के नहीं आया या मैं कोई जाती तौर पर काम नहीं कर रहा। जाती तौर पे गलत काम कर रहे हैं आप, जाती तौर पे गलत काम कर रहे हैं। ये आप कह सकते हैं कि गलत काम कर रहे हैं, मगर मैं ऑफिशियली काम कर रहा हूँ। देखिए आप गलत काम कर रहे हैं, आपने ये मीटर के ऊपर रिवर्स किए, मीटर की रीडिंग रिवर्स कर रहे हैं और फॉरवर्ड कर रहे हैं, ये आप कर सकते हैं काम? आप ये करे तो सही। मीटर आपने रिवर्स किए मीटर को, आप झूठ बोल रहे हैं। आपने रिवर्स किए मीटर को, आप ये गलत काम कर सकते हैं? आप मुझे बताएं, आप मीटर को रिवर्स कर सकते हैं क्या? मीटर को फॉरवर्ड कर सकते हैं? उमर साहब आपके झूठ करते हैं, आप लोगों को तंग करने के लिए आते हैं यहाँ पे। आप मुझे आप ये गलत काम कर सकते हो? मुझे बताओ आपने ये गलत काम किया है, मीटर को रिवर्स क्यों किया आपने? आपने मीटर को रिवर्स क्यों किया? आप लोगों को धमकी देते हो, इसराइल के एजेंट हो आप लोग। आप गलत काम करते हो और दूसरों को तंग करने के लिए आते हो और धमकियां देते हो लोगों को घर पे आके। मीटर को रिवर्स किया तुम लोगों ने, मैं उमेर साहब को आके उनके IBC में आके पकड़ूंगा। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे हाथ लगाया फिर देखो मैं उमेर साहब के साथ क्या करूंगा, आपके DG के साथ क्या करूंगा, आपके CEO के साथ क्या करूंगा। आप हाथ तो लगाओ इधर आपके। ठीक है सर, ठीक है। आपने रिवर्स किया मीटर को, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। मैं आपके आपने मीटर को रिवर्स किया आपने। हेलो, मीटर को रिवर्स करके बंद करते हो? इनको हाथ नहीं लगाने देना यहाँ पे। वो भाई काट के ले गए, गुटखा निकाल के ले गए। वो गुटखा निकाले, पकड़ लो उनकी गाड़ी को, वहीं पे रोक दो, तस्वीर बनाओ की वीडियो बना। चलो ठीक है, सही है। वो चले गए उस टाइम, वो तो बोल रहा था वो काट के ले गए, इतनी देर में आप बात कर रहे थे, इतनी देर में उन्होंने काट दिया ऊपर से। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं अनिल मुमताज अर्ज कर रहा हूँ कराची से। अल्लाह का शुक्र है सर। सर एक छोटा सा मसला है, एक अपील मैंने दाखिल की थी यासीन साहब के नाम से। अच्छा ठीक है सर, उस पे एतराज लगा के काफी दिनों के बाद खालिद रशीद साहब आपके यहाँ होते हैं अपील डिपार्टमेंट में, उन्होंने वो वापस कर दी मुझको एप्लीकेशन। अच्छा, और उसके बाद मैंने वो, खैर जब उन्होंने एप्लीकेशन वापस की मेरे, उसके पहले उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि जनाब आपकी ऑब्जेक्शन है, आप ये प्लीज़ रिमूव कर दें। खैर मैंने दूसरे दिन कर दिया, लेकिन तीसरे या चौथे दिन मेरे पास ओरिजिनल एप्लीकेशन जिस पे आप सब लोगों के दस्तखत हुए में हैं, मोहरें लगी हुई हैं, वो मेरे पास आ गई, मेरी अपील, जो कि कानूनी तौर पे आपको पता है कितना बड़ा क्राइम है कि जिस पे आपकी मोहर लगी हुई हो या कोई हो, वो जो डॉक्यूमेंट बाहर नहीं जा सकती, वो मेरे पास पड़ी हुई है सर। उसके अलावा मैंने वो, खैर उससे पहले मैंने चेक और डॉक्यूमेंट्स जो वो जो दो चीज़ें थी, जो मेजर चीज़ें थी, वो मैंने फुलफिल कर दी थी। और ठीक है, तो वो तो क्योंकि वो टाइम बार्ड हो रहा था और उन्होंने डिले किया, खालिद साहब ने 15 दिन तकरीबन 10-12 दिन लगाए ताकि वो टाइम बार्ड हो जाए, कोशिश की थी लेकिन हुआ नहीं है सर। ठीक है, उन्होंने मेरे पास एप्लीकेशन भेज दी इससे पहले का वाक्य है सर, और उन्होंने फिर मुझे एक रिमाइंडर दिया कि जनाब ये वाला ये जो है ना, आप ना इसको बाकी डॉक्यूमेंट करें ताकि हम अपील की प्रोसेस आगे कर दें। उसके बाद वो जो हमारा अपीलांट है, जो बंदा है, वो बीमार हो गए, वो भी नहीं आए मेरे पास। मेरे पास भी इतना काम था कि मैं फौरी तौर पर नहीं भेज सकूँ। ठीक है सर, उन्होंने ये कहा था मुझे खालिद साहब ने कि जो आपकी डेट है उसी दिन से चलेगी। खालिद साहब ने गैर कानूनी तौर पे अभी प्रोसेस ही नहीं हुआ और के इलेक्ट्रिक को सारी
उन्होंने प्रोसीडिंग भेज दी। अच्छा। और आज के इलेक्ट्रिक वाले बदमाशी से गैर कानूनी तौर पे मीटर वो सॉरी उसकी सप्लाई लाइन काट के चले गए। अच्छा। मैंने बकायदा उनकी है, मैं आपको भी कन्वर्सेशन भेज देता हूँ, उसमें अंदर मीटर रिवर्स किया है के इलेक्ट्रिक ने, मीटर रिवर्स किया है, मीटर वो है ही नहीं जिसके ऊपर रीडिंग कर रहे हैं, मीटर वो है ही नहीं जिसके ऊपर वो रिकॉर्डिंग कर पेश कर रहे हैं, और उसके बाद वो बदमाशी और इलीगल काम करके आज वो डिस्कनेक्शन करके चले गए हैं। और मतलब बहुत ही गैरकानूनी काम किया है। अब थोड़ी देर के बाद या जब भी मेरे को भी जरा मौका मिलेगा, क्योंकि तो मेरे भी अपने को जरा थोड़े मसले मसाइल हैं मैं वो कर रहा हूँ, तो आप अगर इसको रिस्टोर फौरी नहीं कराएंगे तब भी मैं रिकॉर्ड पे लाऊंगा, अगर आप करा देंगे तो मेहरबानी होगी तब भी मैं रिकॉर्ड पे बात लेकर आऊंगा। के इलेक्ट्रिक ने आईबीसी नॉर्थ नाजाबाद ने उनकी अभी थोड़ी देर पहले बिजली डिस्कनेक्ट करके भाग गए और बदमाशी दिखाई है उन्होंने, और ये बदमाशी करने का डिस्को को अख्तियार नहीं है, और चोरी करने का भी अख्तियार नहीं है, मीटर रिवर्स करने का भी अख्तियार नहीं है। ये मैं आपके पास डाला हुआ है, और आपके आपके खालिद रशीद साहब को उनको रिस्ट्रेन करना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं किया, बल्कि उनको सारे डॉक्यूमेंट पेश कर दिए, जबकि वो अपील के लिए अभी तो जो उनका प्रोसेस है मुकम्मल ही नहीं हुआ, और उन्होंने गैर कानूनी तौर पर डॉक्यूमेंट भेजे, जिसका मतलब है कि नाअहली की इंतहा है। कि आपने जो अनिल मैं इसको चेक कर लेता हूँ यहाँ का भी, और आप तो भी जो भी चीज है ना उसको अगर काइंडली इंस्पेक्ट कर रहे, तो क्योंकि आपको पता है कि रजिस्ट्रार ऑफिस डायरेक्टली किसी चीज नहीं होता, वो प्रोसेस करता है चेक के थ्रू। सर आपको आपको ये भी बता दूं, कैट के थ्रू तो है ही नहीं सर, अपील तो कैट कैट यहाँ मेरे पास जो डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं उसके उसके मुताबिक आप कैट कैट तो आपका अपील का अख्तियार ही नहीं रखता। मैं आप ये कह रहा हूँ कि आप उसको भिजवा दीजिए जो कुछ भी आपकी रेट। लेकिन देखिए मेरे साथ बदमाशी क्यों की गई सर आज, ये कि इलेक्ट्रिक ने बदमाशी क्यों की है ये सर। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप मुझे लिंक भिजवा दीजिए सारी चीजें फैक्स कर दें इस वक्त जी, तो फिर मैं इसको जो भी कंसर्न हो गया उनसे पिकअप कर लें। चलो ठीक है मैं कर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, अली मुमताज से बात कर जी सर, खालिद सर खैरियत है, आप ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक, आप सुनाएं। बस सर मैं क्या सुनाऊँ, मैंने तो सर रजिस्ट्रार साहब को सुना दिया था, हमारे साथ आज ज्यादती हो गई, आप जो उसको जो भी कहें कि इलेक्ट्रिक वो खलील और यासीन वाले केस में वो आज जोर जबरदस्ती से बिजली काट के चले गए। अच्छा जी, ठीक है सर, मैंने मैंने आपसे अर्ज की थी कि जी वो आपकी अपील वापस की थी, आपने कहा था आप दोबारा भेजें। सर बिल्कुल भेजूंगा, वो तो एक तो वो भी बीमार थे, मेरे साथ भी कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जो मैं फौरी तौर पर आपको नहीं भेज सका, लेकिन इससे पहले की बात है सर, इससे पहले की बात है। ठीक है सर, आपका वो चेक और सर्टिफाइड कॉपी आ गई थी। हाँ तो आपने कहा मैं थोड़ी मसरूफियात से फारे हो कि आप भिजवा देंगे। बिल्कुल सर, लेकिन वो मसरूफियात बढ़ती रही है, मैंने कहा अभी तक मुझे पहुँची नहीं है सर। तो क्या बिजली काट जाएंगे के इलेक्ट्रिक वाले क्या? नहीं उसका तो मुझे नहीं पता, मैं अपनी डॉक्यूमेंट्री उसका पूछ रहा हूँ सर। वो दरअसल मैं आपको बता दूँ सर, बिजली जो काटी गई है ना आपके किसी मतलब आपकी फेवर होने की वजह से कटी है, क्योंकि के इलेक्ट्रिक क्योंकि उसमें चोर है, उसने मीटर रिवर्स किया है, मैं आपको बता रहा हूँ मीटर फॉरवर्ड किया है। अब सर मैं मेरी बात सुन ले थोड़ी सी, उन्होंने मीटर रिवर्स किया है खुद से के इलेक्ट्रिक ने, मीटर फॉरवर्ड किया है, मीटर वो मौजूद नहीं है जिसपे, और उसके बाद इन्होंने बदमाशी दिखाते हुए आज बिजली काटी है सर। तो इसका मतलब है आज काटी है अभी तकरीबन एक दो घंटे दो तीन घंटे पहले सुबह मतलब आते ही, और बदमाशी दिखाई है उन्होंने, बदतमीजी की है, तो इसका मतलब है कि नेपरा की उनको बैकअप है। नहीं नेपरा में तो सर अभी केस आए ही नहीं है। अरे सर केस नहीं आ रहा, अभी आपको पता चलेगा मैं ये केस भेज कहाँ रहा हूँ, आपके उस थ्रू आएगा सर काले साहब। आज अगर बिजली बहाल नहीं हुई है तब भी, और मतलब अगर बहाल होती है तब भी मैं आपको, क्योंकि सर बहुत क्राइम हो रहा है कराची के आवाम के साथ, जिना हो रहा है सर, इतने साथ ही जिना कर रहे हैं आपके इलेक्ट्रिक वालों को, और आप लोग उनको बिल्कुल भी लगाम नहीं दे रहे, और आप उनके फेवर कर रहे हैं।
करेंगे सर, क्यों नहीं देंगे लगाम? कहाँ दिए आपने लगाम सर? मुझे आपने बताया कि इलेक्ट्रिक को आप जिसके पास आपके पास पहुँच गई थी सब कुछ, आपने हमने ओरिजिनल मुझे क्यों भेज दिया आपने एप्लीकेशन? बताइए क्राइम है? ओरिजिनल एप्लीकेशन आप नहीं भेज सकते थे आप, जिसमें मोड़े लगे हुए और साइन हुए हैं सर? आपको ये जब डिसिप्लिन ही नहीं पता, अपना नेपरा के कानून ही नहीं पता आपको, तो आप लोग क्या कर रहे हैं सर? मुझे बनिए बताएं, आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपने भेज दिया यहाँ पे कराची में सर? वो तो अभी आपको पता चल, सर ठीक है, मैं वो भेजो तो मैं लिख के दूंगा ना सर, मैं वही तो है ना सर, लिख के दूंगा आपको मैं अभी, मतलब वो लिख के आराम से मैं आपको दूंगा कि क्या है कि मतलब अब कराची के आवाम को आपने तो बिल्कुल ही लावारिस कर दिया और के हाथ मजबूत कर रहे हैं। अभी 3 घंटे हो गए, मैंने मिनिस्टर साहब को बता दिया कि बिजली कटी हुई है, लेकिन आप लोगों ने क्यों एग्जाम नहीं लिया? अनिल का बात सुने जी जी, मैंने आपको फोन इसीलिए किया है कि जो अपील वापिस हुई है उसको आप कब भेज रहे हैं? मैं उसको तो मैं भेज दूंगा, ठीक है सर, मैं आज क्या तो उसका क्या मुझे बताए बिजली कटी है इसका क्या मतलब है सर, ये मुझे बताए सर जी। आप डिस्को, मैं डिस्को, मैं आपको सर, मैं आपको डिस्को नहीं हूँ, आप डिस्को नहीं अथॉरिटी है, आपने कंज्यूमर की राइट की प्रोटेक्शन करनी है, डिस्को की राइट की तब प्रोटेक्शन करनी है जब वो लीगल हो रहा हो, जब यहाँ पर आके वो गैर कानूनी तौर पे बिजली काट के चले जाते हैं, इनलीगल वो लोड शेडिंग कर रहे हैं, इनलीगल लोगों को एसएसओ बिल बना के दे रहे हैं, लोगों को चोर कह रहे हैं यार, खुद चोर हैं दूसरों को चोर कह रहे हैं, आप लोग उनको पकड़ते नहीं हो। तो आप कानून का सही इस्तेमाल तो और क्या करूंगा कानून का सही इस्तेमाल? अभी मैं आपको कानून का सही इस्तेमाल बताता हूँ ना खालिद साहब, प्लीज मैं आपको लिख के दूंगा कि कानून का सही इस्तेमाल क्या होता है। यहाँ पर तो दहशतगर्दों की आप लोग मदद कर रहे हो, आपके इलेक्ट्रिक पूरा इसमें डॉक्यूमेंटेड प्रूफ के साथ दिया हुआ है आपको, आपको नेक का नेक मैं आपसे तरीके से बात करूं, आप भी आगे से तरीके से सर, मैं सर तरीके से कैसे बात करूं जब मेरे घर में लाइट नहीं है, मेरे घर में 15-12 बंदे कराची के अंदर मर गए, तो मैं कैसे तरीके से बात करूं सर आपसे? 12 बंदे मर गए सर, आपको पता है कराची के अंदर करंट लगने से, और आप सो रहे हैं, आपके बंदे यहाँ पे वो तकी साहब बैठे हुए असिस्टेंट रजिस्ट्रार, वो बाहर नहीं निकल रहे ऑफिस से बाहर, उसने कोई इन्वेस्टिगेशन करी, उसने शो मोटो एक्शन लिया, आपके चेयरमैन साहब ने शो मोटो एक्शन लिया, अभी तक 12 बंदे मरे सर, यहाँ बंदे को इंजरी हो जाती है तो हो जाते हैं, 12 बंदे मर गए सर, आप लोगों ने कोई शो मोटो एक्शन लिया, कोई आपने अखबार के अंदर बयान दिया? नहीं दिया सर, और बिजली काट के चले जाते हैं इलेक्ट्रिक 2 मिनट के अंदर सर, और आप यहाँ मुझे बोल रहे हो कि आप बात किस तरह कर रहे हो सर? यहाँ पर जुलूम हो रहा है, यहाँ पे लोग मर रहे हैं, यहाँ पे मतलब लोगों के पास पैसे नहीं है भरने के लिए, उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो जाते हुए कुंडा लगाए, आप लोग सर वहां पे बैठ के बोल रहे हैं कि हमने भेजा, आपने मेरी अपील वापस भेजी क्यों? ओरिजिनल पता डॉक्यूमेंट जिसके पर साइन हो जाए, नेपरा के मोड़ लग जाए, वो ऑफिस से बाहर नहीं जा सकती, आपने मुझे भेज दी उठा के सर, मतलब आप इतना, आपको तो अपने डिसिप्लिन ही नहीं मालूम है नेपरा का, और आप मुझे बता रहे हैं सर, अब मेरे को एक चीज देखनी पड़ रही है सर, उसके अंदर इतने फ्लॉज हैं सर, मैं तो अभी आपको ये मैं आपको बताऊंगा ना सर, ये जब आप FIR ये डॉक्यूमेंट अभी जो मेरी बातें कन्वर्सेशन FIR में जाएगी, फिर आप देखिएगा, फिर मैं कैसे वो बताइए कि मैंने गलत बात करी है या आप बात कर रहे थे गलत, आपने गलत काम किया हुआ है, जब ये FIR और NAB में जाएगी यही कन्वर्सेशन जब जाएगी ना, फिर आप देखिएगा, आप प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बिजली अभी आप फौरन बहाल कर पाए, इन रिस्पेक्टेड कि मैं आपको एप्लीकेशन भेज रहा हूँ वो तो मैं आपको भेजूंगा, क्योंकि भाई मेरा केस है सर, आपका तो केस नहीं है ना सर, वो तो मेरा केस है, वो मेरा सर, मेरा मैटर है, मेरी ग्रीवियंस है ना सर, वो तो मैंने भेजनी है, वो मैं नहीं करूंगा तो कहां से मेरे को आप मेरे इंसाफ मिलेगा, लेकिन आप उसके बीच में है जी सर बोले जी बोले आप मैं आपको ये कह रहा हूँ ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने भेजे वो आप कब भेजने के हाथ है? मैं आज ही भेज दूंगा सर, लीजिए आज मैं भेज दूंगा, कल आपको मिल जाएगा। अपील के मामले में आपने कोई बात करनी है तो ठीक है, ये और मसले मेरे से शेयर ना। अच्छा बिजली आप बहाल नहीं कराएंगे? बिजली का जी मेरा कोई काम नहीं है, आप अपने आपका बिजली बहाल कराना काम नहीं है, आप देखिए बोल रहे हैं सर ये जाएगा, ये FIR में जाएगा, NAB में जाएगा, आप कह रहे हैं आपका काम नहीं है बिजली बहाल कराना, आपके पास डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं, आपको मैंने शिकायत कर दी है, और आपके पास और इन डेट आ चुकी है, हर चीज आपके पास मौजूद है, आपके पास कॉपी मौजूद है, और आप कह रहे हैं आपका काम नहीं है बिजली बहाल कराना, ये देख लीजिएगा खालिद साहब आपका नाम है खालिद, और आप नेपरा के असिस्टेंट रजिस्ट्रार है मेरे ख्याल से। सर जी आप ये रेलेवेंट डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ सर,
मैं बिल्कुल रेलिवेंट डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ। आपका नहीं है ना कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट, आप ये कह रहे हैं खालिद साहब, आप कह रहे हैं कि आपका कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट नहीं है, तो फिर आप क्यों बोल रहे हैं कि कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट का काम है? सर मैं कैसे पीऊँ, यहाँ 12 बंदे मर गए सर, मैं कैसे पानी पीऊँ सर? पानी पीऊंगा तो फिर भी अलग खुल चुका मेरा, मेरा मेरे घर पे लाइट नहीं है तो मैं कैसे सर पानी पीऊँ? पानी मोटर नहीं चल रही तो मैं पानी कैसे पीऊँ? सर मुझे पहले बताया पानी की मोटर नहीं चल रही तो मैं पानी कैसे पीऊँ? सर कैसे निकलता है सर मुझे बताया, मैं मर जाऊंगा फिर आप मेरा मसला हल करेंगे? सर आज जब मैंने रिश्तेदार साहब को फोन किया तो आपका फोन आया, वैसे तो नहीं आया था आपका।